This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फैनों और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा आरा दू गोला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शनल है जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी थे जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर प्लेटर रमेश की तारा ने में फिल्म में गोपी चंद और नयांत्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी विरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर अटा रेडिकी की डे रेडी दो हज़ार की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृति पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाते हैं और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया सिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन का शासन है काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समझ है और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसकी माल के उद्घाटन में यह कह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्रिय खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिवा खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव औसत नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से अवसर होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसके सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण से पूछताछ करने के उस पर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च वहन करे और इस बीच काशी मृति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मृति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मृति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर शिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहती है यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मूर्ति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के तरह अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर्द पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने शिवक को सूचित किया कि यदि युवा वह व्यतीत मर गए तो शिव जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मूर्ति शिव को काशी से माफी मांगने के लिए मनाते और शिवा अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता है यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर सिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों को खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का अंशिव द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हज़ार बारह में बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी एस के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथम वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी डॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपीचंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेरडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मूविकेश्स के मालिक थे गोपी चंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वाला से की उन्होंने अपनी अगली फिल्म में की भूमिका निभाई। जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी सिंसर की फिल्म की तमिल भाषा की रिमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में जगनम दौर और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका डोनाडू और लक्ष्यम और 2008 में ओन की और सौरियम रिलीज उन्होंने 2009 और सौरियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए सौरम के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2001 में उन्होंने मुगुडू और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से आसपड़े दो हजार में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म साहसम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर ये लेटी ओका दुनाडो के बाद के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो वैसाही के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और सौखिया में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो दोनों वैसाही के रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म आर आर बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बीजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो हज़ार में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो हजार तक शपथ नंदी निर्देशी उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर फिल्म में सकलाकार तमन्ना तमाना गंगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया है और जो मृति के द्वारा निर्देशित और यूवी क्रिएशंस क्रिएशन और जी ए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तंगुतूर में था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकान की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और रावडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघ्नेश सिवन से शारी किए जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई लोहन की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नियंत्रण ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगे किया उन्होंने अपनी ही इस कुल के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मानासिन सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयंत्रा ने एक मॉडल के रूप में अंशकाली काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य करण ने देखा कि जिन्होंने उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे अपनी फिल्म नर्सिनकरे दो हज़ार तीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्मा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फैन हो और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा आरा दुगुला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी हैं जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर टलेट्रेनर रमेश की तारा ने मे में गोपी चंद और नयांत्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी वीरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर अटा रेडिकी की डे रेड्डी दो के एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृत्यु पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाता है और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्ख्रास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन का शासन है काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसके माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्रिया खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिवा खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव और सदग्रस्त नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से अवसर होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण शिव है शिव से पूछताछ करने के उस पर ही पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च वार वहन करे और इस बीच काशी मृति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मृति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मृति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर शिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहते हैं यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मूति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भाग में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर्द पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने सेवा को सूचित किया कि यदि युवा वह व्यतीत मर गए तो सेवा जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाती और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मृति शिव को काशी से माफी मांगने के लिए मनाते और अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफी मांगता यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाते और उस गुंडे को मार देती है जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर शिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों दो शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों को खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का अंश शिव की अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हजार बारह में बोओपैथी पांडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी के के एस के तहत शुरू हुआ हालांकि इस तिरपट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथन वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी हिंडीडॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपीचंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेड़म ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगे किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के अधीन एक सहयोगी निर्देशन थी और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन कोर्स किया वह प्रभास वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मू के के मालिक थे गोपी चंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोलीवू से की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में उनके लिए ही जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में जगनम दौर और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका दुनाडू और लक्ष्यम और 2008 में उनटरी की और सारियम रिलीज उन्होंने 2009 और सौरियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए सौरम के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मु और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मुगुरु और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से आस पड़े दो हज़ार तेरह में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म सहासम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर येलिटी ओका धूनाडो के बाद के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो वैशाली के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और सौख्यम में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो दोनों वैशाली के रूप से आसपास रहे उनकी अगली फिल्म आर डूगुला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बीजिलेट लेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो हजार में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक शपथ नंदी क्रिया निर्देशित उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता सीतामार की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर फिल्म में सकलाकार तमन्ना तमाना गंगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मचियल पर भी काम किया है और जो मूर्ति के द्वारा निर्देशित और यूवी वी क्रिएशन और जी ए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तंगतूर में था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकान की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और राउडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघ्नेश सिवन से सारी की है जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते चूंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नियंत्रण ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगे किया उन्होंने अपनी ही इस शिक्षा के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म माना सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयंत्र ने एक मॉडल के रूप में अंशकालिक काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य एथिकर्णन ने देखा कि जिन उन्होंने उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे फिल्म तीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फ़ैन हो और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा दो दोगोला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन है जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी हैं जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर प्लेटनर रमेश की तारा ने मे फिल्म में गोपी चंद और नयान्त्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी विरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर आटा रेडिकी की डे रेड्डी दो के की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृत्यु पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाता है और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन काशी का शासन है शिव को अपने ही दोस्त से पता चलते है कि काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसके माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्र खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिवा खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव औसत नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसके सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण पूछताछ पूछताछ करने करने के उस पर ही। करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च वहन करे और इस बीच काशी मूर्ति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मूर्ति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मूर्ति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर सिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहते हैं। यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मूर्ति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे ही छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी की द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने शिव को सूचित किया कि यदि ये वह व्यतीत मर गए तो शिव जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मूर्ति शिव को काशी से माफ़ी मांगने के लिए मनाते और शिवा अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता है यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है दे। जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर शिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों को खिलाफ खड़ा होना सीखते और फेम का अंश शिव के द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हज़ार बारह में बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी एस सेंसर के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथन वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी हिंडीडॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे हैं। और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के अधीन एक सहयोगी निर्देशन थी और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मूविकेश्स के मालिक थे गोपी चंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली थोलीवू से की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जयम निजाम और में नकारात्मक की भूमिका निभाई। जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी सिंसर की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में जगना और दो में अंदरडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका डोनाडू और लक्ष्यम और 2008 में उनटरी की और सौरियम रिलीज उन्होंने 2009 और सारियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए शौर्य के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मो और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मुगुड़ू और वाटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों वैसायिक के रूप से आस पड़े दो में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म सहासम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर ये लेटी ओका धूनाडो की बात के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो व्यासायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने झील और शाखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किए जो दोनों वैसा ही के रूप से असप रहे उनकी अगली फिल्म आर डुगुला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बीज की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक शपथ नंदी किरण निदेशी उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता मार्कु की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर आई फिल्म में कलाकार तमन्ना दिगंगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर पर भी काम किया है और जो मूर्ति की द्वारा निर्देशित और यूवी वी क्रिएशन और जी टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तंगतुर में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता श्रीकांत की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और राउडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघनेश सिवन से सारी की किए जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नयंत्रा ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगन किया उन्होंने अपनी ही इस कुल संख्या के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मान सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नियंत्रण ने एक मॉडल के रूप में अंशकाली काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य एथीकरण ने देखा कि उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर दुगुला बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फ़ैनों और अगर आप आर आर दुगुला बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा आरा दू गोला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हजार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वांसी की द्वारा लिखी हैं जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर प्लेटर रमेश की तारा ने मे फिल्म में गोपी चंद और नयान्त्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी वीरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर आटा रेडी की डे रेडी दो के की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक ही समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृति पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाते हैं और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार भी से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन का शासन है काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समझ और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसकी माल के उद्घाटन में यह कह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्रय खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिवा खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव औसत नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है सिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण से पूछताछ करने, करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च व वहन करे और इस बीच काशी मूर्ति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मूर्ति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मूर्ति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर सिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहती है यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मृति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी की तरह अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने शिव को सूचित किया कि यदि ये वह व्यतीत मर गए तो शिव जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मूर्ति शिव को काशी से माफ़ी मांगने के लिए मनाते और शिवा अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर सिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों के खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का अंशिव द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हज़ार बारह में बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी के एस के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथन वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोच की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी डॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील डिसडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थी और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभास वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मूवी मूविकेश्स के मालिक थे गोपीचंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वाला पुलिस की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में उनके लिए हिम जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी श्रृंखला की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दुहराई उन्होंने 2004 में जगनंद और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका दुनाडू और लक्ष्यम और 2008 में उनटरी की और सौरियम रिलीज उन्होंने 2009 और सौरियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए सौरम के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मो और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मुगुरू और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से आसपड़े दो हजार में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म सहासम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर येटी ओका धुनाडो की बात के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो वैशाली के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और साक्षीय में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो दोनों वैशाली के रूप से आसपार हैं उनकी अगली फिल्म आर डुगुला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बीजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो हजार में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक शपथ नंदी निर्देशी उनकी इस एक्शन फिल्म सीता मार्कु की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफरई फिल्म में कलाकार तमन्ना दिगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मचियल पर भी काम किया है और जो मृति के दर निर्देशित और यूवी क्रिएशंस क्रिएशन और जी ए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास के द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तंगुतूर में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकान की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और रावडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघ्नेश सिवन से सारी की है जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई लोहन की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना आधिकारिक से थे नियंत्रण ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगन किया उन्होंने अपनी ही इस कुल सं के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मान सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नियंत्रण ने एक मॉडल के रूप में अंशकाली काम किया उन्होंने निर्देशन करन ने देखा कि जिन्होंने उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे अपनी फिल्म नरसनिहकर दो हज़ार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फैन हो और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा आरा दुगुला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा के एक्सनल फिल्म जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी थे जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर तलेटर रमेश की तारा ने मे फिल्मे गोपी चंद और नयान्त्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी विरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे आठ अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर आटा रेडी की डे रेडी दो के की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृति पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाता है और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन काशी का को अपने ही दोस्त पता चलते हैं कि कासी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसके माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिव खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव और सदग्रस्त नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण शिव है शिव से पूछताछ करने के उस पर ही पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च व वहन करे और इस बीच काशी मृति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मृति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मृति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर शिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहते हैं यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मृति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने शिवा को सूचित किया कि यदि युवा वह व्यतीत मर गए तो शिव जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मृति शिव को काशी से माफ़ी मांगने के लिए मनाते और शिवा अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता है यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर शिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों दो शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों को खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का शिव के द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हजार बारह में बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी के के एस के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथम वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी हेंडीडॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपीचंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगे किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के अधीन एक सहयोगी निर्देशन थी और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभास वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मू के ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वाला से की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में उनके लिए ही जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में जगनम दौर और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका दुनाडू और लक्ष्यम और 2008 में ओन की और सौरियम रिलीज उन्होंने 2009 और सौरियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए सौरम के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मु और एक मुठभेद विशेष की भूमिका निभाई दो में उन्होंने मुगुडू और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से आसपड़े दो में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म साहसम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर येटी ओका धुनाडो की बात के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो वैशाही के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और सौखिया में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो दोनों वैशाही के रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म आर डूबूला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज़ नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बी की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो हज़ार में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक शपथ नंदी निर्देशी उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर फिल्म में कलाकार तमन्ना दिगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया है और जो मृति के द्वारा निर्देशित और यूवी क्रिएशंस क्रिएशन और जी ए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास के द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तंगुतूर में था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकान की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और रावडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघ्नेश सिवन से शादी की है जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवंबर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नियंत्रण ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगे किया उन्होंने अपनी ही इस शिक्षा के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मान सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयंत्र ने एक मॉडल के रूप में अंशकालिक काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य एथी ने देखा कि जिन उनके ही कुछ मॉडलिंग आसाइन में, में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फ़ैनों और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा आरा दुगोला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी हैं जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर टलेटर रमेश की तारा ने मे फिल्मे गोपी चंद और नयान्त्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी वीरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर आटा रेडिकी की डे रेडी दो के एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृत्यु पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाता है और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन काशी का शासन है शिव को अपने ही दोस्त पता चलते है काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या है और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसकी माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्रिया खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिव खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव और सदग्रस्त नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण शिव है शिव से पूछताछ करने के उस पर ही पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च वार वहन करे और इस बीच काशी मूर्ति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मूर्ति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मूर्ति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर सिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहते हैं यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इस इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मूर्ति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भाग में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दरअ पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रोसन होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने सेवा को सूचित किया कि यदि युवा वह व्यतीत मर गए तो सेवा जेल जाएगा मृति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मूर्ति शिव को काशी से माफी मांगने के लिए मनाते और शिव अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता है यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है दे। जिसे शिव ने चोट पहुंचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर शिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों को खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का अंश शिव के द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण 2012 हज़ार बारह में बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी एस सेंसर के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथम वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी डॉग संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगे किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के अधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्श चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभास वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपालपति की करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मूविकेश्स के मालिक थे गोपी चंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली थोलीपू से की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जया में की निभाई। उनके लिए ही। अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के की बाद उन्होंने उसी फिल्म की, की तमिल भाषा की रिमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका डोनाडू और लक्ष्यम और 2008 में उनटरी की और सारियम रिलीज उन्होंने 2009 और सौरियम रिलीज दो में रिलीज की संखम के लिए शौर्य के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मु और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मुगुडू और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों वैसाही के रूप से आस पड़े दो में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म सहासन के लिए निर्देशन चंद्रशेखर ये लेटी ओका धूनाडो की बात के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक की रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो व्यासायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शाउखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किए जो दोनों वैसाही के रूप से स्पर्श आई उनकी अगली फिल्म आरा डुगुला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लगा दो में उन्होंने पैथम में एक बीजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक शपथ नंदी तरह निर्देशित उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता सीतामार की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर फिल्म में कलाकार तमन्ना दिगंगना सूर्यवंशी भूमिका चलाए उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया है और जो मूर्ति के द्वारा निर्देशित और यूवी वी क्रिएशन और जी ए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास के द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तंगतुर में था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकान की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और राउडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघनेश तिवन से सारी की है जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नियंत्रण ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगे किया उन्होंने अपनी ही स्कूली संख्या के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थमम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मानासन करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयंत्र ने एक मॉडल के रूप में अंशकाली काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य एथिकर्णन ने देखा कि जिन उन्होंने उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे फिल्म तीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हा हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद के फ़ैन हो और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा आधा दोगोला बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी हैं जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर टलेट्रांडर रमेश की तारा ने मे फिल्में गोपी चंद और नयांत्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून 2017 को रिलीज होने वाली थी वीरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर आटा रेडिकी की डे रेडी दो के की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृत्यु पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाता है और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार भी से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन काशी का शासन है शिव को अपने ही दोस्त भी पता चलते हैं कि काशी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या है और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसके माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्रिय खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिव खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव औसत नैना से मिल है। और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण शिव है शिव से पूछताछ करने के उस पर ही पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च व वहन करे और इस बीच काशी मूर्ति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मूर्ति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मूर्ति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर सिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहती है यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मृति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उससे ही छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए कहता है ताकि वह अपनी ही निर्माण कंपनी शुरू कर सके जो उसका सपना है एक झगड़े में शिव की दादी को चोट लग जाती है जिससे मूर्ति को चोट लग जाती है और जिससे मूर्ति क्रोधित हो जाती है और उस घर से बाहर निकाल देती है अगले ही पल काशी मूर्ति के घर आती है और उसे घर ना देने के लिए मारती है शिव अपने पिता को काशी की दर पीटते हुए देखता है क्रोधित में शिव काशी से लड़ता है और उसे सबसे ही सामने बुरी तरह मारता है अगले दिन हर कोई काशी के खिलाफ खड़े होने के लिए शिव पर गौरव महसूस करता है और इतने मजबूत बेटे के लिए कि मूर्ति का प्रशंसा करता है इस बात से कि प्रसन्न होकर के उसका बेटा उसे सम्मान दे रहा है मृति ने अपने बेटे के साथ समझौता कर लिया और उससे ही प्यार करने लगा वह उसे नैना के साथ समझौता करने की भी सलाह देता है क्योंकि वह अकेली थी जो शिव में विश्वास करती थी जबकि कोई नहीं करता था काशी का भाई मृति को चेतावनी देने आता है लेकिन शिव उसे भी पीटता है और काशी को पीछे हटने के लिए कहता है नैना और शिवा की सगाई हो जाती है काशी ने शिव के परिवार पर हमला किया लेकिन शिव सभी को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए और इस प्रक्रिया में एक गुंडे को घायल कर दिया जिसे उसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने शिव को सूचित किया कि यदि युवा वह व्यतीत मर गए तो शिव जेल जाएगा मूति अपने बेटे की भविष्य के डर से काशी जाते और उसे अपने ही घर की दस्तावेज देती है और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काशी ने एक शर्त रखी कि शिवा को सबसे सामने काशी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि पहले ही शिव ने उनका ही अपमान किया था मृति शिव को काशी से माफ़ी मांगने के लिए मनाते और शिवा अपने ही पिता को मना करने में असमर्थ है और जाकर काशी और उसके सभी गुंडों से माफ़ी मांगता है यह सोचकर कि काशी उन्हें अकेला छोड़ देगी मृति को आराम महसूस होता है और वह आगे बढ़ जाता है लेकिन काशी अस्पताल जाती और उस गुंडे को मार देती है जिसे शिव ने चोट पहुँचाई थी ताकि शिव को जेल हो जाए खबर सुनकर सिव सभी बंधन तोड़ देते और काशी के पीछे चले जाते हैं गुंडों की पत्नी सबके सामने स्वीकार करती है कि काशी ने उसके ही पति को अस्पताल में मार डाला था जबकि मृति उनकी देखभाल कर रही थी यह सुनकर सभी गुंडे काशी और उसके भाई को छोड़ देते हैं शिव से बचने के लिए काशी मृति के पास जाती है और उसे अपने बेटे को रोकने के लिए कहती है मृति कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को अभी रोका तो वह एक पिता के रूप में हमेशा के लिए असफल हो जाएंगे और काशी को बाहर निकाल देंगे काशी और उसका भाई दोनों दो शिव से हार गए शहर में लोगों गुंडों के खिलाफ खड़ा होना सीखते और फिल्म का अंशिव द्वारा अपने ही पैर तो घर में नैना और उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ होता है फिल्म का निर्माण दो हज़ार बारह बो पेथी बोओपैथी पंडियन के साथ निर्देशन के रूप में जगन मोहन आई पी एस सेंसर के तहत शुरू हुआ हालांकि इस पट पर असहमति के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी उनके स्थान पर भी गोपाल थे जिन्होंने नथन वामसी की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया था और यह फिल्म 9 जून दो को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी वित्तीय समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण अप्रोट की रिलीज तिथि पर रिलीज के शो रज कर दिए गए 10 जून 2017 को रिली फिल्म की रिलीज रोक दी गई 2020 में निर्माताओं ने फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज करने का विकल्प चुना हालांकि एक साल बाद यह बताया गया कि वे केवल नाटकी रिलीज पर विचार कर रहे थे यह फिल्म भारत में 8 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म की हिंदी हैंडीडॉप संस्करण का शीर्षक हीरो द बुलेट था जिसका प्रीमियर उन्नीस फरवरी दो को जी सिनेमा पर किया गया था गोपीचंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशम जिले की तंगुतूर के पास एक गांव में हुआ था वह फिल्म नर्मदा टी कृष्ण की छोटे बेटे हैं। और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष के थे। उनकी स्कूली शिक्षा नील देश पेरडम ओंगोल की उनके ही पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई में हुई उन्होंने रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनके बड़े भाई प्रेमचंद मुथियाला सुबैया के अधीन एक सहयोगी निर्देशन थी और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी ही मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय रूस में थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दस चिकित्सक है अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ही पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन क्रोस किया वह प्रभास वी वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद अपाल पति के करीबी दोस्त है जो तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मूवी मूविकेश्स के मालिक थे गोपी चंद ने ही मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वालापू से की उन्होंने अपनी अगली फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जय में उनके लिए हिम जया में अपने प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में जगनम और 2005 में अंधराडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से सफल रनम और वैसाही के रूप से असफल राराजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओका दुनाडू और लक्ष्यम और 2008 में आठ में की और सारियम रिलीज उन्होंने 2009 और सारियम रिलीज 2009 में रिलीज की संखम के लिए सौरम के निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज की गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी दया नामक से प्रीत मो और एक मुठभेड़ विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मुगुडू और वान्टेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से आसपड़ी दो में उन्होंने एक्शन ही एडवेंचर फिल्म सहासम के लिए निर्देशन चंद्रशेखर येलिटी ओका धुनाडो की बात के साथ फिर से काम किया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लोकिया में अभिनय किया जो वैसाहिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और शौखिया में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो दोनों वैसाहिक के रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म आरा डूगूला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित नाटक बनकर रह गए जिसे एक और झटका लग दो में उन्होंने पैथर में एक बीजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो हज़ार में उन्होंने चंद में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो तक इक्कीस तक शपथ नंदी निदेशी उनकी एक्शन फिल्म सीता मार्ग की समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस सफर है फिल्म में कलाकार तमन्ना दंगना सूर्यवंशी भूमिका चलाई उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का कर्मशियर पर भी काम किया है और जो मृति की द्वारा निर्देशित और यूवी वी क्रिएशन और जी टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में, में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोपी चंद की तीसरी फिल्म है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तंगतुर में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता श्रीकांत की भतीजी रेशमा से शादी की दपंदी की दो बेटे हैं और अपने अभिनय करियर के अलावा नयंत्रा एक परोपकारी और रावडी पिक्चर्स नमक एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है नयंत्रा ने फिल्म नर्मदा विघनेश सिवन से सारी की किए जिससे उनके दो बच्चे और प्रवीण की जीवन और सिंचा नयंत्रा का जन्म डायना मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था एक से ईसाई परिवार में कुरियन को रिवाटूम और उमाना कुरियर के घर उनके बड़े भाई की लेनू दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना अधिकारी से थे नयंत्रा ने भारत में विभिन्न हिस्सों का आगन किया उन्होंने अपनी ही स्कूली कुल के लिए जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल में उन्होंने बलि का मोर डोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम में पढ़ाई की फिर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मर्थुम कॉलेज तिरुवला में दाखिल लिया और उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म माना सिंह करे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में अभिनय करियर की शुरुआत की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयंत्रा ने एक मॉडल के रूप में अंशकाली काम किया उन्होंने निर्देशन सत्य एथीकरण ने देखा कि जिन्होंने उनके ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखने थे और उसे अपनी फिल्म नरसिनकर दो हज़ार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अंत उन्होंने सहमति दे दी और सिर्फ एक ही फिल्म करने की सहमति हुई कि नरसिम्हांस हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है आर आर बुलेट तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप आर आर बुलेट मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा आरा दोग बुलेट अनुवाद सिक्स फुट बुलेट एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्सन फिल्म जो बी गोपाल की द्वारा निर्देशित और कंथम वामसी की द्वारा लिखी थी जय बलाजी रियल मीडिया के बैनर प्लेटफॉर्मर रमेश की तारा ने मे फिलीमें गोपी चंद और नयान्त्रा ने अभिनय किया है कि जबकि संगीत मनीष शर्मा ने दिया है मूल रूप से 9 जून दो को रिलीज होने वाली थी वीरती कठिनाइयों के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई इसे 8 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म का सेंसर अटा रेडी की डे रेडी दो हज़ार की एक गाने पर आधारित है यह प्रसाह अभिनेता एम एस नारायण की आखिरी फिल्म है इसे समीक्षकों से मित्र से नकारात्मक समीक्षा मिली और व्यवसाय की विफलता के रूप में समाप्त हुई शिवा एक लापरवाह युवक है जो अपने सभी खर्चों के लिए अपने पिता ही मृति पर निर्भर है महाराष्ट्र में एक पुल परियोजना के निर्माण को लेकर स्थानीय गुंडे के साथ उनकी मनमुटाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जब उसके मालिक ने स्थानीय गुंडे से माफ़ी मांगने की कहा तो शिवा ने पलटावर करते हुए कहा कि वह कभी भी गलत व्यतीत के सामने नहीं झुकेगा इससे मैनेजर नाराज हो जाते हैं और शिवा को नौकरी से निकाल देता है बाद में शिवा ने खुलासा किया कि उसने नौकरी से निकाले जाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ रही थी मुरुति को यह खबर सुनकर गुस्सा आता है कि शिव को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने शिव की सिफारिश की थी शिवा की बेरोजगारी और लापरवाह स्वभाव हमेशा पिता और पुत्र के बीच एक मूछा बन जाता है मृति की स्थानांतरित के कारण परिवार विजयवाड़ा से चला गया शिवा की दादी ने शिव को शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि इस शहर पर स्थानीय डॉन काशी का को अपने ही दोस्त चलते हैं कि कासी को अहंकार की बहुत बड़ी समस्या और उसने एक बार एक मंदिर की टांग तोड़ दी थी जो उसकी माल के उद्घाटन में यह कहकर नहीं आया था कि वह इसमें ही शामिल होगा और उसे माल खोलने के लिए वही चेयर पर आने के लिए मजबूर किया था अपने ही अहंकार को संतुष्ट के लिए एक विवाह समारोह में शिव नैना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है यह जाने पर कि नैना का बॉस उसने ही दिन रात काम करवाता है और सारा त्र खुद ले लेता है और वह एक बार में आ जाता है और नैना के बॉस को थप्पड़ मारता है शिव खुद को नैना की प्रेमी के रूप में चित्रित करता है जिसकी परिस्वरूप नैना को कंपनी से निकाल दिया जाता है शिव औसत नैना से मिलता है और उससे कहता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए यह सुंदर है शिवा की बातों से औसत होकर नैना अपने बॉस के घर जाती है और उसके घर के सामने चिल्लाकर उसकी सारे मामलों के बारे में बताती है नैना की बॉस ने खुलासा किया कि उसकी बेरोजगारी का कारण शिव है शिव से पूछताछ करने के उस पर ही पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को उसके साथ समय बिताने और उससे प्यार करने के लिए ऐसा किया था बदले में नैना शिव से कहती है कि जब तक उसकी नौकरी वापस नहीं आ जाती वह उसे सारे खर्च व वहन करे और इस बीच काशी मूर्ति के पास आती है और उसने ही अपना घर देने के लिए कहती है जब मूर्ति ने बाद को अस्वीकार कर दिया तो काशी ने मूर्ति को अपना ही निर्णय बदलने के लिए तीस दिन का समय दिया अन्यथा उससे ही परिणाम भुगतने होंगे इधर शिवा नैना के आदेश पर उसकी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के सभी बच्चों के लिए पटाखे लाता है लेकिन सुनता है कि काशी के आदेश के अनुसार अदालत की सुनवाई तक शहर दिवाली नहीं मना रहा है क्योंकि काशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था शिव काशी की आज्ञा की परवाह नहीं करते और बच्चों से पटाखे जलाने के लिए कहती है यह देखकर कि काशी के गुंडों उन्हें ही पीटने आते हैं लेकिन शिव चतुराई से चिल्लाते हैं कि काशी के भाई को रिहा कर दिया गया इसलिए हर कोई दिवाली मना सकता है यह सुनकर गुंडे वापस चले जाते हैं नैना शिव से प्रभावित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है मृति एक दिन शिव और नैना को एक साथ देखती है और नैना को सलाह देती है कि शिव शादी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं जानता है और उसे छोड़ा छोड़ देना चाहिए नैना भारत में शिव के सामने मूर्ति की प्रति गुस्सा व्यतीत करती है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है इससे शिवा क्रोधित हो जाता है और नैना को यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वह किसी के द्वारा अपने ही पिता का अपमान प्रदर्शन नहीं कर सकता शिव अपनी दादी से उसे अपनी ही संपत्ति देने के लिए